हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग। तो आज हम जा रहे हैं टैटू बनवाने, मतलब अभी तक कहीं टैटू नहीं बनाया, लेकिन हैंड में भी बनवाएंगे, यहाँ सीने पे भी बनवाना है, बट अभी नहीं बनवाना है, अभी हैंड में बनवाना है, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहीं पे रितेश भैया के, तो ये टैटू रितेश भैया के सैलून पे बनेगा और रितेश भैया ही बनाएंगे। तो अभी हम लोग उनके यहाँ जाएंगे, अभी कॉल किए थे कि आ जाओ अभी अगर खाली हो तो अभी उठे हैं, मतलब वो फ़ोन किए तभी उठे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं उनके यहाँ, ठीक है। तो देखते हैं रितेश भैया टैटू, मतलब फर्स्ट टाइम उनसे बनवा रहे हैं, फर्स्ट टाइम ही हम बना रहे हैं, ठीक है, देखते हैं आगे। सो फाइनली गाइस, रितेश भैया के सैलून पे आ गए हैं हम लोग, अभी टैटू बनवाना है। रितेश भैया कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, अभी टैटू बनाएंगे, देखते हैं, ठीक है, टैटू बनेगा तो दिखाएंगे हम लोग। चलते हैं, ये सब देख ही सकते हैं रितेश भैया का पूरा ये सैलून, और इसके अंदर ओनली फॉर लेडीज लिखा है, बट रितेश भैया इसी में टैटू वगैरह बनवाते हैं। राकेश भैया अभी कुछ वो कर रहे हैं, तो गाइस देख सकते हैं मशीन वशीन सब रेडी है, राकेश भैया रेडी कर रहे हैं और मेरा टैटू बनेगा। सॉरी, बड़े वाले शीशे में दिखाते हैं, यहाँ हाथ पे ये, ठीक है, यहाँ पे भी बनवाना है बट अभी नहीं बनवाना है, पहले यहाँ पे बनवाना है, ठीक है। सुने हैं कि काफ़ी दर्द होता है, तो उस दर्द से लड़ते हैं, तो रितेश भैया आ गए हैं। रितेश भैया कुछ बोलना चाहते हैं? हेलो गाइस, आप लोगों को टैटू बनवाना है, आप लोग भी आ सकते हैं हमारे पास एक्सपर्ट सैलून, ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में इनका मोबाइल नंबर एंड इनका एड्रेस दे दूंगा, ठीक है, आप लोग इनके सैलून पे आकर विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। जो कभी भी आप फोटो बनवाते हैं तो ध्यान रखिए, नेगा जो है आपको बहुत फ्रेश होने चाहिए, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि बार तो आप देख सकते हैं स्टार्ट हो गया है अब टैटू बनाना। क्लीन कर दिए, क्लीन हो गया, टाइम लैप्स बनाएंगे क्या? दिल की धड़कन काफी तेज हो गई है भाई। तो आप देख सकते हैं रोहित भैया कैसे कांप रहे हैं, रख दो आराम से, कंफर्टेबल होके यार रखो, हाँ वेरी गुड, ग्रेट बॉय। इतने बड़े हो गए हैं लेकिन बच्चों वाली हरकत करते हैं। अभी बच्चे ही हैं सर। इनका फेस का इम्प्रेशन आप देख सकते हैं, देखिए हालत खराब है, मास्क में निकाल दो अच्छा आएगा। ना ना ज़्यादा नहीं ज़्यादा, रोल तो बुझेगा नहीं।
पी अभी कुछ ये दबाव मत यार, सोच लगे एकदम जान ऊपर आप देख सकते हैं। मैं रोहित भैया की भावनाओं को समझ सकता हूँ लेकिन क्या करूँ, मजबूरियाँ है। अरे यार सोचा था मैं गोरी टैटू बनेगा, जिंदगी में कोबर टैटू बनेगा क्यों नहीं था। और रोहित भैया बहुत ही खुश होते हुए अब खुश नहीं किया अभी, अब जाके इनके फेस से खुशी आई है। रोहित भैया रोहित भैया, और इनकी हालत ऐसे हो गई थी जैसे कोई मार के भाग जाता है भैया, अभी वैसे ही हालत थी। अब सही है, अब सही है, बहुत सही है। तो देख रहे हैं बहुत मतलब क्या ही, एक बार मास्क निकाल दो बाबू, थोड़ा सा तुम अपने चेहरे का इंप्रेशन दिखा दो। अब इधर देखो, अब देखो बहुत हैप्पी है रोहित भैया, देखिए मुस्कान, देखिए मुस्कान कैसे है इनकी। मतलब अब क्या ही बताया जाए, अब इतनी अरे यार रितेश भैया, राकेश भैया, राकेश जिंदगी में कभी भी अब टैटू नहीं बनवाएंगे। अरे बाप रे, जिंदगी में कभी टैटू नहीं बनवाएंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग आइए रितेश भैया के टैटू बनवाइए, बहुत मज़ा आता है। मैं समझ सकता हूँ कितना मज़ा आ रहा है, आप लोग भी आइए। लोग सोचते हैं काफ़ी दर्द होता है बट दर्द नहीं होता है। मैं सही बोल रहा था, बोल दीजिए कि मैं मजाक कर रहा था। सही बात है, वो मैं मजाक कर रहा था कि दर्द होता है, दर्द होता है बट बहुत कम ही दर्द होता है, इतना नहीं, समझ में नहीं आता है। रितेश भैया कह रहे हैं अगर इतना दर्द करते तो हम रोने लगते हैं, मेरा शरीर जो है ना काफ़ी नाजुक है। रितेश भैया चुभा रहे हैं लेकिन क्योंकि मुझे आप लोग रितेश भैया के सैलून पे बुलाना है। अगर मान लीजिए हम रो देंगे तो आप लोग रितेश भैया के सैलून पे नहीं आएंगे, बोलेंगे नहीं टैटू बनवाने में दर्द है। बट कोई ना, दर्द थोड़ा बहुत होता है, समझ में नहीं आता है उतना। आइए आप लोग टैटू बनाइए। तो आप लोग देख सकते हैं रोहित भैया का टैटू बन के तैयार हो चुका है। वाह, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और हमारे आरके बलिया के हीरो बहुत ही हैप्पी, एकदम हैप्पी है, बहुत मजा आया है टैटू बनवाने में, आप लोग समझ सकते हैं। एंड आप लोगों को भी टैटू बनवाना हो तो रितेश भाई के सैलून पे विजिट करें, ठीक है। देख सकते हैं, देख सकते हैं कितना बेहतरीन। गाइस टैटू बन गया है, अभी तो थोड़ा सा इसे पानी से बचाना है, इसके वजह से इस पर टेप चिपकाया गया है। तो अभी बादल भी अभी आए हुए हैं, ये भी अपना फेस वाश वगैरह है, इनको भी शायद टैटू बनवाना है ना, ये भी अपना टैटू बनवाएंगे। और उधर रोशन है, वो भी अपना टैटू बनवाएगा, इसी के लिए वो बैठा हुआ है। अभी रितेश भी थोड़ा सा कुछ काम कर रहे हैं, खाली हो जाए उसके बाद से वो भी इन लोगों का टैटू बना देंगे। और हम जा रहे हैं घर, ठीक है, क्योंकि टाइम देखो 12 बज गया, अभी तक खाना नहीं खाया मैंने, तो अभी जा रहे हैं घर, क्योंकि ये दोनों में टाइम लगेगा, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो आज देखते हैं, थोड़ा सा रील्स बनाने का प्लानिंग है, तो आगे बनाएंगे। अभी रितेश भैया से आप लोग उसमें मिलवाते हैं, रितेश भैया शायद कुछ बोले, रितेश भैया कुछ बोलना चाहते हैं। आप लोगों को भी अगर टैटू बनवाना हो तो आप आ सकते हैं, और बाकी सर्विस तो आप जानते ही, हमारे यहाँ सैलून की सारी सर्विसेज अवेलेबल है। और नाम नंबर एंड इनका लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है, आप लोग विजिट कर लीजिएगा, ठीक है।